एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 28 मीटर दी है और पहिए के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 352 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है 352 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर उस पहिए को लगे होंगे। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी अर्थात परिधि ज्ञात करनी है, तो 2 × 22/7 × 28 2 × 22 × 4 इसको हल करेंगे तो 176 मीटर एक चक्कर में दूरी हो जाएगी। तो 352 मीटर की दूरी तय करने में चक्करों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 352 × 100/176 = 200 चक्कर इसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अगला सवाल है, वृत्ताकार मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर अर्थात वृत्ताकार जो घड़ी है उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो है 15 सेंटीमीटर और एक घंटे में दूरी अर्थात एक चक्कर में दूरी हमें यहाँ पर पूछा है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है 2 × 2π/r तो 2 × 22/7 × 15 त्रिज्या हो जाएगी, इसको हल करेंगे तो 94.2 सेंटीमीटर इस वृत्ताकार घड़ी की परिधि में प्राप्त हो जाएगी। 15वां सवाल है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या दे रखी 19 और ये जो क्षेत्रफल पथ का वो दे रखा 10 मीटर। अब हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो 19 − 10 = 9 सेंटीमीटर अंतर्वृत्त की त्रिज्या जाएगी। बाह्य वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है हमें तो 2πr 2 × 22/7 × 19 उसको हल करेंगे तो 119.32 मीटर इस बाह्य वृत्त की परिधि में प्राप्त हो जाएगी। अंतर्वृत्त की परिधि बराबर 2πr 2 × 22/7 × 9 तो 56.52 मीटर अंतर्वृत्त की परिधि हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी।